हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे मासेकर सीरीज का चौथा पार्ट, जिसका नाम है टेक्सास चेंसो मासेकर द नेक्स्ट जेनरेशन, जो कि रिलीज किया गया था 1995 में, पिछले पार्ट से 5 साल बाद। मैंने इस सीरीज के पिछले 3 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस पार्ट की कहानी का भी पिछले या आने वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, और ये एक अलग ही फिल्म है जिसमें वही सब दिखाया गया है जो हम ऑलरेडी पिछले 3 पार्ट्स में देख चुके हैं। सोयर फैमिली का नाम बदल कर स्लॉटर फैमिली हो गया है, सारे फैमिली मेंबर्स भी बदल गए हैं, और लेदर फेस तो चक्का हो गया। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बेकार है और मैंने इसे झेला है ताकि आपको ना झेलना पड़े। तो इसी बात पर ठोक लीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल, जेनी और शॉन को, जो कि अपने स्कूल की प्रोम नाइट पर आए हैं। इस प्रोम नाइट पर जेनी की दोस्त हेदर भी आई है। इसी दौरान हेदर अपने बॉयफ्रेंड बेरी को किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। हेदर अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे पहले बेरी भी उस कार में बैठ जाता है। बेरी हेदर को एक्सप्लेन करता है कि सारी गलती हेदर की ही है, वो लेट हो गई इसीलिए बेरी कहीं और मुंह मारने चला गया। और दोनों झगड़ने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि जेनी और शॉन भी उनकी बैक सीट में बैठे हैं और छुपकर कुछ कर रहे थे। समझ रहे हो ना? हेदर एक सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और कुछ दूर जाने पर उनसे एक और कार आकर टकरा जाती है। दूसरी कार में से एक लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। जेनी और उसके दोस्त चेक करते हैं कि दोनों कार्स खराब हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही। शॉन दोनों गाड़ियों के पास रुकने का फैसला करता है और जेनी, बेरी और हेदर मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वो एक घने जंगल के अंदर फंस चुके थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक ऑफिस ट्रेलर दिखाई देता है जिसके अंदर डार्ला नाम की एक लेडी थी। ये तीनों डार्ला को सब कुछ बताते हैं और डार्ला अपने बॉयफ्रेंड बिलमार को कॉल कर क्रैश वाली जगह पर जाने को बोलती है। दूसरी तरफ बिलमार अपना पिकअप ट्रक लेकर वहां पहुंच जाता है। बिलमार उस बेहोश लड़के को एग्जामिन कर बोलता है कि ये मर चुका है, लेकिन शॉन ये नहीं मानता क्योंकि वो बस बेहोश हुआ था। ये तो लाश है। hey, कौन बोलता है लाश है? इसका मुंह खोली देखो, सांस चली साथ ऐसे। इसके बाद बिलमार उस लड़के की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है, जिससे उसकी सच में मौत हो जाती है। ये देख शॉन बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बिलमार अपने ट्रक से उसका पीछा करता है और उसे टक्कर मार के गिरा देता है। इसके बाद वो शॉन को बार बार अपने ट्रक से कुचलता है और शॉन भी मारा जाता है। दूसरी तरफ जेनी, हेदर और बेरी भी अपनी गाड़ियों के पास वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनके पास से एक ट्रक गुजरता है और उससे लिफ्ट मांगने के लिए हेदर और बेरी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जेनी पैदल ही चलना बेहतर समझती है और जंगल में भटक जाती है। इधर हेदर और बेरी उस ट्रक का पीछा करते हुए एक बड़े से घर तक पहुँच जाते हैं। दोनों यहाँ का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। बेरी घर के दूसरे डोर को चेक करने जाता है और देखता है कि इस घर की सभी खिड़कियों पर लकड़ी के बार लगे हुए थे, जिससे उसे अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहीं हेदर यहाँ के झूले पर बैठकर आराम करती है और इतना खो जाती है कि एक बड़ा सा बदबूदार आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता। आईना, इसका मुंह किधर है? दूसरी तरफ बेरी को इस घर का मालिक मिल जाता है, जो कि उस पर बंदूक ताने खड़ा था। इस आदमी का नाम वॉल्टर है। इधर हेदर फाइनली अपने पीछे खड़े पहाड़ जैसे आदमी को देख लेती है और डर के चिल्लाने लगती है, क्योंकि इस आदमी ने एक डरावना मास्क पहना हुआ था। और अब तक आप समझ गए होंगे कि ये लोग लेदर फेस के घर आ गए हैं, और इस मूवी में सॉयर फैमिली को स्लॉटर फैमिली बोला गया है, और इस पार्ट में लेदर फेस का फैमिली नेम लेदर है। आई मीन बाबा और जूनियर इससे बेटर नाम थे। खैर, लेदर हेदर को उठाकर घर के अंदर ले जाता है, लेकिन हेदर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन लेदर दया की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और हेदर को फिर से उठाकर किचन में लेकर आता है और एक पुराने फ्रीजर के अंदर बंद कर देता है।
बाहर वॉल्टर बेरी को घर के अंदर चलने को बोलता है और बेरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और वॉल्टर को उसी के घर से बाहर कर देता है। इसके बाद वो घर के अंदर हेदर को ढूंढने लगता है और क्योंकि उसे बहुत जोरों से बाथरूम जाना था तो वो यहाँ का टॉयलेट भी यूज करता है। तुम लोग को जो करना है करो, मुझे तो बहुत सारा बाथरूम करना है यार। हल्का होने के बाद बेरी नोटिस करता है कि इस कमरे में किसी की सड़ी हुई लाश पड़ी थी और अब उसे पता चलता है कि वो कितने बड़े डेंजर में है। वो हेदर को ढूंढते हुए लेदर के सामने जा पहुंचता है जो कि एक ही हथौड़े में उसे नॉकआउट कर देता है और बेरी भी मारा जाता है। अब लेदर बेरी की बॉडी को भी फ्रीजर में डालने जाता है और हेदर को उसमें से निकालकर एक हुक पर टांग देता है। इधर जंगल में अकेली बची जेनी के पास एक पिकअप ट्रक आकर रुकता है जिसके अंदर बिलमार था और ऑब्वियसली वो भी एक स्लॉटर है। जेनी पहले थोड़ी झिझकती है लेकिन बाद में बिलमार के ट्रक में बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में बिलमार उसे अपना असली रूप दिखाता है और ये भी कि उसने जेनी के बॉयफ्रेंड और उस लड़के दोनों को मार दिया है। अब ये सब जानकर जेनी चलते ट्रक से कूद जाती है और जंगल में भागने लगती है। बिलमार उसका पीछा करता है लेकिन कुछ देर बाद उसे रुकना पड़ता है और वो अपना ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। जेनी चैन की सांस लेती है क्योंकि वो वहां से चला गया था, लेकिन फिर लेदर फेस अपनी चैन सो लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और उससे भागते हुए जेनी स्लॉटर हाउस में ही पहुंच जाती है और वो भी लेदर को उसी के घर के बाहर लॉक कर देती है। अबे मेरे को तो अंदर लो। लेकिन लेदर उस दरवाजे को काट कर अंदर आ जाता है और जेनी ये देख विंडो से छलांग मार देती है और ये पूरा सीन हमने पार्ट वन में भी देखा था। जेनी जंप मार कर घर की छत पर आ जाती है और पता नहीं क्यों यहाँ के टीवी एंटीना पर चढ़ने लगती है। लेदर उस एंटीना को काट देता है तो जेनी एक केबल पर लटक जाती है। अब लेदर उस केबल को भी काट देता है और जेनी फाइनली गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उठकर जंगल में भागने लगती है और एक और चैन सो चेस शुरू होती है। Why are you running? इस बार जेनी भागते हुए उसी लेडी डार्ला के पास पहुंचती है। वो डार्ला को सब कुछ बताती है और डार्ला किसी को कॉल कर मदद के लिए यहाँ बुलाती है। और अभी तक किसी को समझ नहीं आया हो तो बता दूं कि डार्ला भी स्लॉटर फैमिली की सदस्य है और बिलमार की वाइफ है। डार्ला ने वॉल्टर को कॉल कर यहाँ बुलाया था जो कि एक इलेक्ट्रिक स्टिक से जेनी को पीटने लगता है और फिर एक बोरी में भरकर डार्ला की कार के ट्रंक में डाल देता है। डार्ला घर जाने से पहले एक पिज्जा स्टेशन पर रुकती है और उसे पता चलता है कि उसकी डिक्की खुली हुई थी। वो उसे बंद करने जाती है और एक पुलिस वाले ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था। डार्ला को बीच रास्ते में हेदर भी पड़ी हुई मिलती है जो किसी तरह उस घर से भाग निकली थी, लेकिन हेदर अब चलने की हालत में भी नहीं है। डार्ला जेनी के साथ घर आ जाती है और लेदर फेस हेदर को भी वापस उठाकर ले आता है और ये सभी जेनी को बहुत टॉर्चर करते हैं। कुछ देर बाद डार्ला रिवील करती है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं और यहाँ इस मूवी में एक नया एंगल डाला जाता है कि असल में स्लॉटर ये सब एक सीक्रेट सोसाइटी के कहने पर करते हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी, और ये इल्यूमिनाटी हजारों साल से ये सब करवाते आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनके कंट्रोल में है, इसलिए आज तक स्लॉटर्स पकड़े नहीं गए। खैर, इसके बाद डार्ला और बिलमार में झगड़ा होने लगता है और मौका देखकर जेनी वहां से भाग जाती है और एक कार लेकर निकलने लगती है, लेकिन बिलमार उस पर कूद जाता है और उसके सामने आने से जेनी को आगे का कुछ नहीं दिखता और वो गाड़ी ठोंक देती है। बिलमार उसे पकड़ कर वापस घर में ले आता है और अब समय है डिनर सीन का, जिसके लिए लेदर फेस ने किसी लड़की का फेस मास्क पहना है और पता नहीं क्यों उसने औरत जैसे कपड़े भी पहन लिए हैं। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। लेदर फेस भी डिनर टेबल पर आ जाता है, लेकिन इस पार्ट में ये फैमिली मीट की जगह पिज्जा खा रही है, जिसका मतलब ये लोग कैनिवल्स नहीं है। बिलमार जेनी को होश में लाता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि उसके सामने तीन लाशें डिनर टेबल पर बैठी हुई थी और वो डिनर सीन ही क्या जिसमें ग्रैंडपा ना हो, और इस पार्ट में ग्रैंडपा जिंदा हैं। डार्ला जेनी से कहती है कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती, इन लोगों ने उसके सर में एक बॉम्ब फिट किया हुआ है जो कि विलमार के एक बटन दबाते ही फट जाएगा, लेकिन जेनी बोलती है कि सीक्रेट सोसाइटी वाली बात पर उसे यकीन नहीं है और वो सभी लोग साइको हैं इसीलिए ऐसा करते हैं। ये सुन बिलमार इतना गुस्सा हो जाता है कि वो वॉल्टर के सर में एक हथौड़ा मार देता है और उसकी बही मौत हो जाती है।
और ये देख ग्रैंडपा चुपचाप एक नाइफ लेकर वहां से खिसक लेते हैं। इसके बाद विल्मार हेदर पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग भी लगा देता है, लेकिन डार्ला उसे बुझा देती है। विल्मार ये सब जेनी को डराने के लिए कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ एक कार आकर रुकती है। ये वही इलुमिनाटी वाले लोग हैं जिनकी बातें डार्ला कर रही थी। रोथमैन विल्मार से कहता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसका काम है यहाँ के लोगों में डर फैलाना। और फिर रोथमैन अपने तरीके से जेनी को डराता है और विल्मार को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद विल्मार अपने पैर से हेदर का सर कुचलकर उसे मार देता है। इसके बाद वो पागलों की तरह रेजर से अपने आप को ही काटने लगता है और डार्ला उसे रोकने की कोशिश करती है और लेदर तो पता नहीं क्या ही कर रहा है। ये देखो उधार की जिंदगी। और इस सब के बीच जेनी तीसरी बार इस घर से भाग निकलती है और लेदर अपनी चेनसो लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। जेनी भागते हुए एक वैन के पास पहुंचती है और उसमें बैठा एक ओल्ड कपल जेनी की हेल्प कर उसे अंदर बैठा लेता है। लेकिन फिर लेदर विल्मार के साथ ट्रक से इनका पीछा करते हैं और डिस्ट्रेक्शन के कारण वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। जेनी उसमें से भी निकलकर भागने लगती है और लेदर और विल्मार उसका पीछा करते हैं। और फिर अचानक ही पता नहीं कहां से एक प्लेन आता है और विल्मार को मार के चला जाता है। ये देख लेदर एक औरत की तरह रोने लगता है और वो सीक्रेट सोसाइटी वाले लोग जेनी को रेस्क्यू कर वहां से ले जाते हैं। अब क्योंकि जेनी विल्मार के हाथों से भाग निकली थी तो विल्मार को सजा देने के लिए उस प्लेन को इन्हीं लोगों ने भेजा था। रोथमैन बताता है कि ये सब उन्होंने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए किया था, लेकिन उन्हें उतना मजा नहीं आया तो वो जेनी को एक लोकल हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं। वहां वो एक पुलिस ऑफिसर को इस सीक्रेट सोसाइटी और स्लॉटर फैमिली के बारे में सब कुछ बताती है और वो पुलिस वाला कहता है कि वो इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। आखिर के सीन में हम देखते हैं लेदर को जो अपना आइकॉनिक चेनसो डांस कर रहा था और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी में ज्यादातर कहानी पिछली मूवी से ही उठाई गई है, वही लेदर फेस और उसकी पागल फैमिली, वही सड़ासा ट्विस्ट, वही डिनर सीन और वही चेनसो डांस। मूवी में कुछ नया था तो वो था इलुमिनाटी वाला प्लॉट जो किसी के गले से नीचे नहीं उतरा, यहाँ तक कि उसे मूवी में ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। तो आप इस मूवी को देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। इस मूवी के आखिर में हमें 3 कैमियो देखने को मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर के एक्टर पहली फिल्म में ग्रैंडपा थे और पहली फिल्म से ही सैली और फ्रैंकलिन के एक्टर्स ने भी इस सीन में कैमियो किया है। इस पार्ट में लेदर फेस ने किसी को भी चेनसो से नहीं मारा है। यह मूवी 1995 में रिलीज की गई थी द रिटर्न ऑफ द टेक्सास चेनसो मासेकर के नाम से, लेकिन फिर 2 साल बाद 1997 में इसे कट कर फिर से रिलीज किया गया और फिर इसे नाम दिया गया था द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन दोनों ही टाइम ये फिल्म मुंह के बल गिरी और क्रिटिक्स या ऑडियंस किसी को भी पसंद नहीं आई। तो दोस्तों इसके साथ हमने सीरीज की आधी मूवीज खत्म कर दी है। इन चारों पार्ट्स में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी बात यह है कि अब बाकी के सभी पार्ट्स काफी अच्छे हैं और अब नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा 2006 वाले पार्ट को, क्योंकि वो 2003 वाले रीबूट का प्रीक्वल है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इससे ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और अगला पार्ट मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।